जी आपका तो दिल बहुत ही बड़ा है, फिर भी इस सब की क्या जरूरत थी? तो कोई गल नहीं जी, अब तो रिश्तेदारी भी हो गई है और वैसे बिना सगाई का आपने इतना अच्छा इंतजाम किया सी कि दिल खुश कर देता है। हाँ वैसे थोड़ी गलतफहमी जरूर हो गई थी, पर रब का शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। श्वेता पुत्र जरा बिल तो दे निकाल के मुझे सारे। ये लो सवित्री जी, ये बिल उन सारे जेवरों के हैं जो सकेत पुत्र ने ना आपको और देविका को दिए थे। इनको ना संभाल के रख लो, आप तो जानते हैं ना कि सोने के दाम आसमान छू रहे हैं आजकल, तो आगे चलकर कभी कोई रिपेयर शिपेयर करानी हो या गारंटी के तौर पे रखने हो तो ये बिल बहुत काम आते हैं। ये सब करने में इनका जरूर कोई और मकसद होगा। अच्छा सवित्री जी एक बात और अचानक याद आ गई मुझे, कल रात जो आपने सकेत को दी थी ना सगाई की अंगूठी, उसका ना बिल मेनू दे दो। हाय हाय ये तो बड़ी चलाक निकली है, अब तो हम पकड़े ही जाएंगे। हाय की करा, कल तो ना हमसे जी बहुत बड़ी गलती हो गई सचमुच। घर जाके जब हमने अंगूठी देखी ना तो वो तो बहुत ही सोनी थी, एकदम चमकती हुई नई। पता नहीं मैं कैसे भूल गई कि सोना भी कभी पुराना होता है, वो जी पीतल थोड़ी ना कि मुलम्मा उतर जाए, और सोने की कीमत तो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अगर रिंग टाइट वाइट है तो आप बताइए, हम ठीक करा देंगे। फिलहाल तो ठीक है जी, मैं तो दरअसल आगे की बात बोल रही हूँ। वो क्या होता है ना जी, शादी के बाद आदमी की सेहत सुधर जाती है, ये पता कल को सकेत की भी सेहत बहुत अच्छी हो जाए, वजन बढ़ जाए, तो फिर रिंग को रिपेयर शिपेयर कराना पड़ेगा ना, इस वास्ते कह रही थी मैं। वो की हो गया जी, आप लोग तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैंने कोई दूसरी अंगूठी मांग ली आपसे। वो बिल ही तो मांगे, इतना क्या सोचना इसमें। वो आपने बिल लिया तो था कि नहीं? बिल है, है, बिल है। वो बिल कहीं रखकर भूल गया हूँ, मैं लेकर आता। बीजी, मैं भी ये सारा सामान रख के आती हूँ। हाँ हाँ पुत्र। मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। मैंने कहा कि मीटिंग कैंसिल करो। कोई मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, उन लोगों से कहो कि मेरा वेट करें। इस बार तो बड़ा बुरा फंसे देखा। वो साकेत की माँ तो मानती नहीं है, वो जानबूझकर वो अंगूठी वाले बिल की डिमांड करती जा रही है। वो ये कंफर्म करना चाहती है कि हमने वो अंगूठी उस दुकान से, उस सुनार से खरीदी है कि नहीं खरीदी। ओ जी शक तो मुझे बहुत पहले से हो गया था, अचानक समदन जी आ क्या गई, हम सबसे चिकनी चौपड़ी बातें क्या करने लग गई। असल में इनका मेन मकसद तो यही था, हमसे वो बिल हासिल करना। इसका मतलब साकेत के मन से अभी तक ये शक पूरी तरह से निकला नहीं है। हम क्या करें, कहीं ये सारी बातें साकेत को पता चल गई ना, और हमारी सच्चाई भी, तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऊपर से ये 100 सवाल अलग से करेंगे जिनके जवाब हमारे पास होंगे ही नहीं। मुझी, मैंने रवि को फोन कर लेती। रवि के आने तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं काम करता हूँ, क्यों ना उनको जाकर बोल दूं कि बिल देविका के पास है और देविका ऑफिस गई हुई है, शाम को आएगी, तब तक बात भी टल जाएगी। हाँ जी ये ठीक रहेगा। इतना खून निकल गया आपका, ये चोट कैसे लगी, किसने किया एक्सीडेंट? माँ कुड़ी इतनी जोर से गाड़ी चला रही थी जैसे सड़क होते पियो दिए। माँ आप ध्यान रखो अपना, मैं अभी आप प्लीज ध्यान रखो मेरी माँ का। देखो आजकल के बच्चों को बुजुर्ग। अरे हट पीछे, अबे चुप हट, अरे गाड़ी से बाहर आओ। क्या बदतमीजी है ये, क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा
अब तुम मुझे सिखाओ कि तमीज क्या होती। गाड़ी से बाहर निकलो तुमको चलाने का लाइसेंस बताऊंगा मैं। ऐसे आउट। लेडी देख रही वहां पर, वो मेरी माँ है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गाड़ी ठोकर मारने की उनको? तुम लोग गाड़ी में बैठकर समझते क्या हो अपने आप को? कि सड़क पर चलते हुए लोग कीड़े मकोड़े जब मन, मैं उड़ा दिया उनको गाड़ी से अपने। हां इट्स टू हॉट, कोल्ड ड्रिंक। और सुनो चलो कोल्ड ड्रिंक ना। वहां मेरी माँ का खून बह रहा है और तुमको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब नहीं है, जुबान नहीं है तुम्हारे पास। है ना, लेकिन मैं बात सिर्फ उससे करती हूँ जिससे मैं करना चाहती हूँ, यू नो, मेरी मर्जी। और जवाब मैं सिर्फ तब देती हूँ जब सवाल में दम। एटीट्यूड किसी और को दिखाना, मुझे नहीं, अंडरस्टैंड? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे किस टाइप की लड़की हो यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ एक बूढ़ी औरत के यहाँ खून निकल रहा है और तुम यहाँ पे स्टाइल दिखा रही हो अपना। तुमसे बात कर रहा हूँ, हेलो। ये लो, कहीं भी जाकर कैश कर लो। माँ, मेरी माँ बुरी तरह घायल पड़ी है और तुम मुझे ये चेक दे रही हो। आई नो, तुम्हारी मॉम की उम्र हो गई है और इस उम्र में अगर हड्डी बड्डी टूट जाए तो जुड़ती नहीं, स्पेशली अगर डायबिटीज हो फिर तो वक्त और भी ज्यादा लगता है। इसीलिए 2 लाख का चेक दे रही हूँ, 1 लाख एक्स्ट्रा फॉर सीनियर सिटीजन सिंपथी। आई थिंक दैट्स फेयर, राइट? तुम जानती हो तुम्हारे चेक के साथ क्या करूंगा मैं? मैं इसे और कट डस्टबिन में फेंकूंगा और तुम्हें यहाँ से घसीट के पुलिस थाने लेकर जाऊंगा, अभी के अभी। देखो, 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं ये केस उल्टा तुम पर कर दूंगी, और अगर तुम पर ये केस हो गया तो फिर तुम अपना ये एंग्री यंग मैन वाला फेस बना नहीं पाओगे। दूसरी बात ये कि चुपचाप वो चेक लो, अपने आप को और अपनी माँ को आने वाली मुसीबत से बचा लो। द चॉइस इज एंटायरली योर्स। अब देखते हैं कौन मुसीबत में फंसता है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। अब बिना टेंशन हमारे चेहरे पे। देखो, तुम्हें जितनी भी फोटोज खींचनी है खींच लो, कार की जितनी भी खींचना चाहते हो, आई एम ओके, बट प्लीज मेरी कोई भी पिक अपलोड मत करना। क्या है, सोशल मीडिया पर मेरे बहुत सारे फैंस हैं। किस टाइप की लड़की हो तुम? भाई साहब, आप लड़ाई बाद में करना, पहले उनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, बहुत खून करा है। चलिए आप। तुम रुको यहाँ पर एक मिनट। ये क्या कर रहा है? मेरी माँ तुम्हारी गाड़ी में जाएगी, अगर तुम्हें और तुम्हारी मैडम को पसंद नहीं है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी और के साथ ट्रैवल नहीं करूँगी। रियली? तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम यहाँ सड़क पे खड़ी रहकर सॉफ्ट ड्रिंक पियो, मैं तुम्हारी गाड़ी से अपनी माँ को लेकर जा रहा हूँ अस्पताल। अरे ये क्या कर रहा हूँ? दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। और तुम्हें अगर ये गाड़ी चाहिए तो अपनी मैडम को लेकर लोहिया गेट पुलिस स्टेशन आ जाना, मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद वहीं पहुँचूंगा, यहीं बाजू में ही है वो। मैं तो देखूँ कि पुलिस इस एक्सीडेंट के बारे में क्या करती है जो तुम्हारी क्रेजी कैट मैडम ने किया। और हाँ, तुम वहाँ टाइम पर पहुंच जाना, वरना पुलिस तुम्हारे गाड़ी का रजिस्टर नंबर से तुम्हारा एड्रेस निकाल के तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। यू अंडरस्टैंड दैट? क्या करें मैडम, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? घर से दूसरी गाड़ी फौरन मंगवाओ, वरना पुलिस स्टेशन कैसे जाएंगे? Congratulations, Devika. Thank you. सगाई कैसी रही? बहुत अच्छी। Congratulations, Devika. Congratulations. Thank you. And I'm really sorry, guys. वो मैं तुम लोग को अपनी सगाई के लिए इनवाइट नहीं कर पाई। एक्चुअली बहुत छोटा सा फंक्शन था तो सिर्फ घर घर के ही लोग थे और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ ना। कोई बात नहीं, मिठाई ला देना। पक्का। ओए, लंच टाइम हो गया, चलो चलते। कम ऑन। तुम लोग चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है कम ये सारी फाइल संभाल के रख दूं। हाँ देविका। रवि कहाँ हो तुम? सब ठीक है ना आंटी? ठीक है हाँ देविका सब ठीक है, बस मैं अभी उनको अस्पताल लेकर आया हूँ, एडमिट कराया उनको वहाँ पर। क्यों रवि क्या हुआ आंटी, ठीक तो है ना? उनको चोट आई है क्या? रवि देखो उनका ख्याल रखना। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद आ जाती हूँ। नहीं देविका सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मामूली सा घाव है। उनको यहाँ अस्पताल छोड़कर मैं लोहिया गेट पुलिस थाना जा रहा हूँ। क्या है ना, जिस लड़की ने उनको अपनी गाड़ी से उड़ाया है उसको सबक सिखाना है। तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ अभी। ठीक है, अपना ख्याल रखना और आंटी का भी।